या अब वॉइस आ रही है भैया, अब वॉइस आ रही है, या थोड़ा ब्लूटूथ प्रॉब्लम था, अब सही है, अब सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। या फाइनली हम लोगों ने साइंस इसीलिए लिया क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि मैथ्स के जो टॉपिक रहते हैं, मैथ्स के जो टॉपिक रहते हैं काफी लंबे चौड़े बड़े टॉपिक, और एक एक सम इस बार तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे एक भी चीजें जो मैथ्स में मैंने आप लोगों को छोड़ी नहीं है, सारी चीजें मैंने खुद करवाई है, तो उसमें जो है टाइम काफी लग जाता है। देख सकते हो आप, कंप्लीट चैप्टर एक ही में, इन वन शॉट जो है एक ही में हम लोग कंप्लीट पूरा एक चैप्टर जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे इन वन सिंगल शॉट। तो साइंस एसएस या थियोरेटिकल जो रहते हैं ना वो जल्दी से कंप्लीट होता है, बट वेर एज मैथ्स जो रहता है थोड़ा जो है इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट। बट एनीवेज दिस इज एंड वन ऑफ द सी कुछ चीजें जब मैं आपको जो है प्रेशर से कहता हूँ, स्ट्रेस देके कहता हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको दिल से जो है उस चीज की प्रिपेरेशन अच्छे से करना उसका रीजन है। ये चैप्टर आपका नाइन्थ में भी है इन डेप्थ इन डिटेल, क्लास 10th से जुड़ी होगी, एंड 11th 12th बायोलॉजी अगर आप साइंस लेते हो वहां पे भी आएगा। सो दिस इज योर, दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑल टाइम्स इन साइंस, बायोलॉजी। तो अच्छे से जो है इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चीजें कंप्लीट है, दिखाई दे रही है, सही, ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। ठीक है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, चलो बहुत ही बढ़िया। सो थोड़े टाइम के लिए मैं कमेंट सेक्शन को मैं यहां से जो है बंद करता हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो चीजें जो है आप लोगों का भी पूरा फोकस अब यहाँ पे होना चाहिए, कमेंट सेक्शन को अभी बंद कर दीजिए। देखिए, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक घर है, एक हाउस। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे इस पूरे घर का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल ब्रिक से हुआ होगा, ऐसे सिंगल ब्रिक को बनते बनते ऐसे एक वॉल, फिर वॉल से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड देन फाइनली ये घर प्रिपेयर हुआ होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स या कोई भी है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम कह सकते हैं कि ब्रिक है। बस सेम उसी तरीके से अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी ह्यूमन बींग, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या चाहे कोई भी ह्यूमन बींग हो, या तो फिर कोई भी प्लांट किंगडम से जुड़ा हुआ प्लांट हो, सो इन एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम यहां भी सेम चीज है, लेकिन यहां पे ब्रिक्स नहीं होती। ब्रिक्स आर नॉट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑफ यू कैन से ह्यूमन किंगडम, और यू कैन से एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। इनस्टेड वी डू हैव सच सिमिलैरिटी, बट इन दैट केस वी हैव सेल। तो यहां पे हमारे पास होता है सेल। ठीक है, यहां पे ये आप देख सकते हो, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा एक ब्रिक था, ऐसे बहुत सारे ब्रिक बन के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर के कारण एक घर तैयार होता है। सेम चीज है, जैसे आप देख सकते हो इंडिविजुअल सेल, ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज, हम अभी पढ़ेंगे, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बाद आप जो अभी देख रहे हो एक कंप्लीट परफेक्ट ह्यूमन बॉडी या कोई दूसरा एनिमल बॉडी, एज वेल एज यहां पे कोई भी प्लांट बॉडी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब देखो चीजें समझते हैं, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है डिस्कवरी, पहले चीज ये भी समझते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज पहले से मौजूद है अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे, या एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में पहले से, लेकिन उसको ढूंढा गया बाद में, तो उसको हम डिस्कवरी कहते हैं। लेकिन कोई नई चीज आई, एकदम नई चीज, तो उसको इन्वेंशन कहते हैं, जो पहले था ही नहीं, और इन्वेंट मींस अभी हम लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे माइंड से उसको निकाला, नई चीज हम लोगों ने डेवलप की, तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। अब लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ द सेल। देखिए, ये तो बात हम माने के 200 या 300 साल या 350 साल पहले की बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि हजार साल पहले इसकी खोज, इन द सेंस ये था, हम सबको पता है ह्यूमंस कोई अभी 1-2 साल, 300 साल, 400 साल की स्टोरी नहीं है, काफी अरसे की स्टोरी है। ठीक है, या हमसे भी पहले बहुत, जैसे डायनासोर हो गए, या तो फिर हमसे पहले जितने भी एनिमल एंड प्लांट किंगडम हो गए, बहुत सारे ऐसे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में स्पीसीज है जो कि हम लोगों ने मीन्स लुप्त हो गए, हम लोग अनलक्की है कि हम लोगों ने उन्हें देखा नहीं। ठीक है, बहुत ही ऐसे मिलियंस ऑफ स्पीसीज लुप्त भी हो गए। तो यहां पे ये कोई जो सेल लिखा हुआ है, कोई वो एक ही दिन या 300-400 साल पहले नहीं आया,
ये आया तो बहुत पहले, लेकिन उस समय पे हमारे पास बोलो या तो फिर किसी दूसरे कंट्री या कोई भी इंसान या इंडिविजुअल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं थी। फिर धीरे धीरे जो है डेवलप हुई चीजों को, मीन्स लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये चीज, मीन्स हम लोग जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, हम लोग जो है हमारी लिविंग प्रोसेस जो है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन, ये बहुत सारी ऐसी लिविंग प्रोसेसेस हम लोग कैरी आउट करते हैं, तो ये बेसिस, ये सब चीजें है, बनती कहाँ से है, ये चीज होती कैसी है। तो फिर फाइनली आगे आते हैं रॉबर्ट हुक, नाम याद कर लेना, रॉबर्ट हुक जो है वो आगे आते हैं और एक दिन वो जो है कुछ चीजों पे रिसर्च करते हैं। तो ये उनका खुद का माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप आप लोगों को पता है, लेकिन ये उस जमाने का उनका माइक्रोस्कोप था। आज तो काफी हद तक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आ चुका है, कंप्यूटराइज्ड माइक्रोस्कोप आ चुका है, बट उस जमाने पे इन्होंने ये माइक्रोस्कोप खुद डिजाइन किया था। ठीक है, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप भी खुद डिजाइन किया एंड उसके बेसिस पे उन्होंने जो है कुछ रिसर्च किया। बताते हैं रिसर्च किस पे किया, ये देखिए ये डायग्राम पे आते हैं, कॉर्क सेल्स बोलते हैं इसको। ये जो कॉर्क, ये जो ट्रंक ऑफ अ ट्री है ना, उसके जो आउटर पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट पता चलेगा, ये उखाड़ा गया है, देखो यहां से इसको उखाड़ा, ये जो आउटर लेयर जो है ट्रंक का, बार्क, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं कॉर्क, CORK, कॉर्क। अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस पे रिसर्च किया, देखा चीजों को समझने का ट्राई किया। तो यहां पे इनको ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, ये रहा देखो, ऐसा टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसको, अच्छे से माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, तो उनको पता चला कि ऐसे स्ट्रक्चर्स में ज्यादातर ऐसे हनीकॉम जैसे बी हाइव बोलते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर्स है। तो इन्होंने जैसे कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, अलग अलग जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट दिख रहा है, तो ये कंपार्टमेंट को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, देखिए अब इसकी स्टोरी हम पढ़ दिए, थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो इसको नोट्स में। द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेल्यूला, ये कहां से आया ये वर्ड है सेल्यूला, जिसका मतलब होता है छोटा सा रूम, अ लिटिल रूम। क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने उसे माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा परखा, तो उनको क्या लगा, वो जैसे रूम टाइप स्ट्रक्चर था, अलग अलग जैसे हनी कॉम्ब बोलते हैं ना हम लोग, हनी बी का जो घर होता है, हनी बी हाइव, तो वैसा स्ट्रक्चर था। एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ये मींस ये 1635 में उनका बर्थ है, ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। सो 1665, यस ये याद रखना बिल्कुल जरूरत है, 1665 में इसकी खोज हुई सेल की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, मींस जब रिसर्च कर रहे थे, नेम द सेल्स व्हाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय हिम, उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बना के, वो इतने टैलेंटेड थे, सोचो माइक्रोस्कोप भी कहीं से नहीं लाए, खुद ही बनाए, खुद ही उस पे टेस्टिंग किया। एंड हुक ऑब्जर्व कॉक्स हनीकॉम्ब्ड और यू कैन से पोरस स्ट्रक्चर, एंड हुक फाउंड द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉक टू रिसेम्बल विथ मोनास्ट्रीज एंड कॉल द यूनिट सेल, यानी रूम जैसे स्ट्रक्चर, छोटे 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 रूम होते हैं ना, तो उन्होंने जो है इस नाम को बोल, मीन्स इस स्ट्रक्चर को बोल दिया सेल। और फिर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसमें अपना ये रिसर्च वर्क जो है उन्होंने डाला था। तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हाँ ऐसी चीजें होती है। फिर उसके बाद क्या है, क्लास 9th में हम पढ़ेंगे, सीरीज पे सीरीज जो है इन्वेंशन होते हैं, मीन्स डिस्कवरीज हुए रिलेटेड टू सेल। अब ये तो क्या था, खाली रॉबर्ट हुक ने अभी सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर देखे, रॉबर्ट हुक ने ऐसे स्ट्रक्चर ही देखे। अब इसके अंदर क्या है वो धीरे धीरे अभी, अब क्या है? लोगों को एटलीस्ट इतना पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। तो वहां से फिर अ सीरीज ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, ठीक है, बायोलॉजिस्ट, ये सब जो है टूट पड़े, और हम आगे आगे पढ़ेंगे क्लास 9 में, मैं इसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ एक स्टार्टिंग है, बेसिक है, इसीलिए हम लोग यहां तक रखते हैं, फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहां पे रॉबर्ट हुक ने एटलीस्ट शुरुआत की, किसी ने तो शुरुआत करनी थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में शुरुआत की। तो समझ में आ गया, बैकग्राउंड तैयार हो गया, सेल क्या होता है, क्या चीज है, अब हम लोग अच्छे से इसकी इन डेप्थ पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई, बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते,
अब आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो आप यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल में अगर आप देखोगे तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल है। यहां पे नंबर भी आप देख सकते हो, देखिए एप्रोक्सीमेटली एप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज 3.7 × 10^13। इसको रीड करना भी हम लोग नहीं समझ सकते, इसको ऐसे रीड करना पड़ेगा, 3.7 × 10^13 अप्रोक्स अप्रोक्स इतने सेल्स हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में होते हैं और दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट किंगडम में भी इतने टाइप के सेल्स होते हैं, मींस नंबर अलग अलग होते हैं बट मोर एंड लेस, ऐसा नहीं है कि 100 सेल, 10 सेल, 15 सेल होते हैं, बट आप देख सकते हो कुछ तादाद में, एक लार्ज अमाउंट में सेल होते हैं। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ये होता है? नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे जिस इसका नाम आप देख सकते हो अमीबा, ये देख सकते हो आप पैरामीशियम। याद करिए सेकेंड चैप्टर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, उनका नाम भी था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे। तो ऐसा जरूरी नहीं है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेल्यूलर ही होंगे, कुछ जो है वहां पे मल्टी सेल्यूलर भी होंगे, बट कुछ सेल्स जो होते हैं, ये मीन्स ये एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब क्या, जैसे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ, हम देख सकते हैं बिलियंस ऑफ सेल है और हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, आपको पता है हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, तो ये सारा जो है अपना अपना काम करता है। लेकिन जो यहाँ पे आप सिंगल सेल देख रहे हो ना, इसमें क्या होगा अमीबा में, पता है ये खाना भी ये खुद खाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रो मीन्स रिप्रोडक्शन भी ये एक खुद एक ही सेल करेगा, और इनफैक्ट ये इतना माइक्रोस्कोपिक है कि हम लोग हमारे नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यूनिसेल, नाम ही है यूनिसेल्यूलर। जबकि ये हो गए यानी हम हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, ये हो गए मल्टी सेल्यूलर। समझ में आ गया यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या हो गया? अगर कोई पूछता है तो सरन मैम आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सिंगल सेल्ड उसे हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, जिसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अमीबा एंड पैरामीशियम, जहां पे आप लोगों को फ्री जो वाटर एरियाज होते हैं, ठीक है, वाटर, वहां पे आप ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को पाए जाएंगे। और ये हो गए आपके मींस ये हम मल्टी सेल्यूलर, डॉग है, कैट है, बहुत सारे, ठीक है, तो दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर। ये सिंगल सेल ऐसा होगा कि जिसमें इसकी सारी लाइफ प्रोसेस भी आ गई, पूरा का ये हम कह सकते हैं पूरा इंडिविजुअल खुद ही है, इंडिविजुअल भी बोलो या सेल बोलो, जो बोलो वो एक ही है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल है। सेल टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से जाके हम लोग पूरी कंप्लीट एक इंडिविजुअल बॉडी में तब्दील होते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, आगे बढ़ते आते हैं। शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल, अब देखो अलग अलग टाइप के सेल है, तो क्या यहाँ पे सभी सेल्स जो है जो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या फिर प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, क्या ये सेम टाइप के सेल्स होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं? तो नहीं, इसमें क्या होता है डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है, उसका काम क्या है। जैसे आप ये देख सकते हो नर्व सेल, ये नर्व सेल का काम एक्चुअली अब स्ट्रक्चर भी है, और मैं एक्सरसाइज में मैंने डिटेल्ड अच्छे से स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। नर्व सेल है, जैसे आपको पता है कि आप कोई गर्म सी चीज रखी हुई है आपके बाजू में या कोई ऐसी ठंड लग रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी ठंडी का मौसम है, विंटर है, तो यू कैन फील दैट सेंसेशन, अब ज्यादा ठंडी हो गई ये सारी, तो ये सारा मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचा, देखो भाई ठंडी लग रही है मुझे ब्लैंकेट दे दे, या गर्मी लग रही है तो हमें एसी स्टार्ट करना है, तो ये सब जो सेंसेशन है ये सारी मैसेज, या कोई चीज बाजू में कोई ऐसी चीज रखी हुई है जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट, आप भूल से उसको टच करते हो तुरंत आप हाथ ले लेते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो हम लोगों के मैसेज, इसे हम इन शॉर्ट कहे, ये सारे जो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे ये काम क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का। तो यहाँ पे ये नर्व सेल हो गया, ठीक है, ब्रेन एंड ऑल। फिर रेड ब्लड सेल, ये तो पता ही है आप लोगों को, सेवेंथ में भी हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ टाइप के मसल सेल, ये तो मैंने कुछ शॉर्ट एग्जांपल है। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली इन एनिमल, लेकिन प्लांट में भी हमें ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है पाए जाते हैं। और इनका जो शेप है वो किस पे डिपेंड होता है कि उनके फंक्शन पे, वो कौन सा फंक्शन कैसे कर रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे इनका जो शेप है ये डिपेंड होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद साइज, तो क्या अभी साइज सबकी सेम होती है? तो नहीं। वैसे अगर आप देखोगे तो
तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स हम देखते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे होते हैं कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, आप उसके लिए आपको एक वेल डिफाइंड अच्छा माइक्रोस्कोप चाहिए। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच का जो एक एग होता है ना, वो एक एक्चुअली में एक सेल ही है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एक एग, हैंस एग, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी फ्रॉग एग भी आपको जो है रिलीज होते हुए दिखेगा, लेकिन ये ह्यूमन एग, दिस प्लांट सेल, दिस बैक्टीरियम सेल एंड वायरस, ये सारे आपको नहीं दिखाई देंगे। ये क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनकी जो हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो होती है, ये मिलीमीटर टू नैनोमीटर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग प्रीफिक्स मिलीमीटर एंड नैनोमीटर, उतने उतने ये छोटे और बड़े होते हैं। सो यहां पे भी साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स, कोई भी सेल जो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे, इनफैक्ट हमारे खुद के अंदर जितने अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स है, तो इनकी जो शेप भी अलग है, साथ में इनकी साइज भी अलग होती है। कोई थोड़े एलोंगेटेड लंबे होंगे, थोड़े कोई पतले होंगे, थोड़े छोटे होंगे, थोड़े मोटे होंगे, तो यहाँ पे सेल की जो साइज है वो भी डिफर करती है अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट अगर हमारे अंदर इतने वेरिएशन, एक ह्यूमन बींग के अंदर इतना वेरिएशन है, तो सोचो जितने अराउंड में, हमारे अराउंड में जितने स्पीसीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है, उनमें कितने अलग अलग टाइप के सेल और मीन्स किस तरीके से आप देख सकते हो साइज एंड शेप्स हो सकते हैं। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो, सी कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि सर एलिफेंट बड़ा है इन साइज और यहाँ पे आप देख सकते हो रैट बहुत ही छोटा है, तो इसके टाइप, इसके अंदर जो शेल होंगे वो ऐसे बड़े बड़े होंगे, ऐसे बड़े बड़े होंगे, और इनके अंदर शायद ऐसे छोटे छोटे होंगे। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा होगा ही नहीं। सेल हमेशा, जैसे हमने कहा, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, चाहे वो एलिफेंट हो चाहे वो रैट हो, इनफैक्ट अगर डायनासोर होता तो भी। सो यहाँ पे साइज ऑफ द बॉडी जो होती है ना, कोई भी इंडिविजुअल की या कोई भी लिविंग की, उस पर डिपेंड नहीं करता कि सेल कैसा है। सेल, मैंने अभी आगे भी मैंने प्रीवियसली बताया, सेल की शेप या सेल का साइज ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। तो जैसे आप देख सकते हो सेल साइज हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स ऑफ लाइक एन एलिफेंट बी मच लार्जर देन देन अ माउस, ठीक है। अगर इसमें जो नर्व सेल पाया जाएगा, इसमें भी होगा ना नर्व सेल, तो इसको भी तो डर लगता है, अभी कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म कुछ आ गया तो वो भी भागता है, वो भी सतर्क हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के नर्व सेल्स ऑलमोस्ट एक ही टाइप के होंगे, जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एलिफेंट है तो इसमें लंबा चौड़ा बड़ा होगा, या तो फिर इसमें छोटे छोटे होंगे। ये साइज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता ही नहीं है। डिपेंड, अगर आपको कोई पूछे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला जो सेल है, वो उसकी साइज या शेप किस पे डिपेंड करती है, तो उसके एक्चुअल फंक्शन पे, उसके अंदर वो कौन सा फंक्शन करने वाला है उस पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो चीजें हो गई सिंपल, आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, ये कुछ बेसिक सा मैंने आपको समझाया, सेल क्या होता है, सेल क्या सारे एक ही शेप के होते हैं, नो, सेल क्या सारे एक ही साइज के होते हैं, नो। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक पढ़ा, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके अंदर इतना बेसिक से मैंने आपको पढ़ा, मीन्स लिया हुआ है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउट ना हो इसीलिए मैंने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस ली हुई है, ताकि आपको एक क्लियरली आइडिया, क्योंकि होता क्या है, चीजें जो है ना, बच्चे जब हम भी पढ़ते थे, हमारे पास तो यार ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती थी उस समय पे, ना तो आपके पेरेंट्स के टाइम पे, आप पूछ ही सकते हो, तो उस टाइम पे थोड़ा रट्टाफिकेशन ज्यादा हो जाता था, पता चलता नहीं था, लेकिन चीजें मार्क्स लानी रहती थी। अब चीजें क्या है, इतनी क्लियर हो चुकी है, और पहले तो क्या था, टेक्स्ट बुक्स में इतने डायग्राम्स भी नहीं होते थे, इतना एनिमेशन वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन अब चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो गई है। सो मेक श्योर कि अच्छे से इसे आप गो थ्रू करना। देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन, आपको पता है हम उल्टा जाते हैं, आपको पता है यहां से सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन के बाद एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, एंड देन कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फुल्ली जो है डेवलप होता है। आपको पता है डिफरेंट ऑर्गन जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, लाइक हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, ठीक है, स्टमक, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है, और इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हार्ट है, उसको कोई दिन ऐसा लगा कि भाई मुझे आज जो है शांति से बैठना है, भाई लंग्स तू का मेरा काम कर ले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी हर एक ऑर्गन ने अपने जो काम जो है वो बांटे हुए, और वही वो ऑर्गन करता है। तो यहाँ पे हमें एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर
उसे एक इन डेप्थ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोचिए यार पूरा एक इंडिविजुअल इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो वो अगर हम सेल्यूलर लेवल पे माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। तो इसको हम लोग आज बेसिक से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सा पार्ट है, आप लोगों को पता है, हैंड वाला। अब इसमें भी देखिए, एक आता है एपिडर्मल सेल, यानी ये जो स्किन के सेल्स होते हैं ना, स्किन के सेल्स, तो ये हो गए आपके एपिडर्मल सेल। फिर इसमें बोन्स भी होते हैं, तो ये बोन सेल्स आ गए। फिर उसमें मसल्स भी होता है, मसल्स जो आपके, जैसे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना है तो ये कौन करवाता है, मसल्स करवाता है। तो देखो मसल सेल्स भी आ गए, एंड देन यहां पे आप देख सकते हो नर्व सेल्स भी है। तो यहां पे आप लोग क्लियरली समझ सकते हो कितने टाइप के किस तरीके के सेल्स है और इनके फंक्शंस। सो यहां पे हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे एक एक सेल की, यहां पे एक सेल जो होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। देखिए उसी तरीके से प्लांट की भी बात करते हैं, सेम है। प्लांट जो है, प्लांट के अंदर भी एक छोटा सा सेल होगा, वो बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाएंगे, देन ऑर्गन, एंड फाइनली एक ऑर्गन सिस्टम के साथ एक अच्छा सा प्लांट या एक अच्छे से बड़े ट्री में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम चीज है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं मेन स्ट्रक्चर पे। ये है प्लांट सेल, एनिमल सेल भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ये है प्लांट सेल। अब चाहे, ध्यान रखना, अब चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये तीन चीजें तो होगी होगी और होगी ही, तीन चीजें तो कंपलसरी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये तीन चीजें होगी। क्या है ये तीन चीजें? सबसे पहले आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आप देखो साइटोप्लाज्म, और तीसरा लिखा हुआ है न्यूक्लियस। देखो समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि मान के चलिए ये जो बॉडी है हमारी वो सेल है, तो आपने ऊपर क्या पहना हुआ है, कपड़ा पहना है, ये क्या हुआ, क्लोथ। क्लोथ क्या काम करता है, कवच का काम कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन लेयर का काम कर रहा है। बस सेम चीज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म, वो भी हम समझेंगे, न्यूक्लियस जो मेन सेंटर जो है, कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है सेल का। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। ये है देखो, ये क्लास 9th का डायग्राम है। आप जैसे अभी कुछ समय के बाद, कुछ मंथ के बाद, आप जैसे ही पहुंचोगे क्लास 9th में, ऑलरेडी मैंने इसका चैप्टर बनाया हुआ है क्लास 9th का, वो भी आप जाके अगर आपको ऐसे ही देखना है तो देख सकते हो, और एल्स नेक्स्ट ईयर तो हम पढ़ने ही वाले। बट दिस इज द टिपिकल, एग्जैक्ट हम समझे ना, बट इस साल आप लोगों को घबराने की चीज नहीं है। जैसे ये गॉल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोजोम्स, राइबोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, इतना हैवीली इस साल आप लोगों का है नहीं, सो नो नीड टू वरी अबाउट, नो नीड टू वरी अबाउट। हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अभी के लिए सिंपल डायग्राम देखिए। सबसे पहले समझते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ये एनिमल सेल, सिंपल सा डायग्राम, और ये प्लांट सेल। अब मैंने आपको अभी बताया, जैसे हमारी बॉडी है, और बॉडी के ऊपर आपने क्या पहना हुआ है, एक कपड़ा, मींस कोई भी कपड़ा, तो ये आपका कवच हो गया आपकी बॉडी के लिए। सेम चीज है कि एक इंडिविजुअल सेल होता है ना, उसपे जैसे ये लेयर आप देख सकते हो, ये लेयर, ये आउटर लेयर, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और सेम प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर भी होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल, वो नेक्स्ट 2-3 स्लाइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अंदर का पहला पहला जो लेयर है ना, पहला लेयर, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अभी दूसरा लेयर जो आप देख रहे हो, या एनिमल में नहीं पाओगे, देखो यही तो डिफरेंस है, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हमें पढ़ने हैं। आपको एनिमल सेल में एक ही कवच दिख रहा है, दूसरा कवच नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखो दो दो कवच है, दो दो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो यहाँ पे दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसके पास एक एडिशनल होता है सेल वॉल, कहते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते, सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में मैंने नोट्स भी आप लोगों को लिखे। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखिए या तो फिर सेल मेम्ब्रेन ही सही है। इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री, एक बाउंड्री का काम करती है ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मान के चलो एक सेल है,
उसको उसके सराउंडिंग से एक अलग आइसोलेटेड कर देती है। तो यहाँ पे एक तरीके से बाउंड्री, अब घर पे समझे ना, गेट होता है ना, गेट गेट का काम करती है भाई ये जो बाउंड्री है, वो गेट का, आपके इर्द गिर्द आपका घर बना हुआ है और कंपाउंड वॉल हम बनाते हैं, तो बस वही चीज मान के चलो, वो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल। देखो यहाँ पे इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर एनिमल में तो एक ही लेयर है तो वो आउटर मोस्ट होगा, लेकिन अगर वो प्लांट में है एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट, अगर वो प्लांट में है तो पहले सेल वॉल आता है फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल आप देख सकते हो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप ये एक लेयर जो था ना, पहला वाला लेयर, ये पहला वाला लेयर तो सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन ये जो ऊपर का दूसरा लेयर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो दूसरा लेयर वो है सेल वॉल, एक एडिशनल टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब उसका रीजन भी ऐसा है, देखो हम लोग क्या है, थोड़े समझदार होते हैं, कोई भी एनिमल है ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि जब भी बारिश गिरता है, ठंड होती है, तो हम नहीं, कोई भी एनिमल है वो शेल्टर ढूंढता है, वो अच्छे से अपना जो है गुजारा करने के लिए अच्छे से शेल्टर में जाएगा, शेल्टर ढूंढेगा, शेल्टर और खुद खाना जो है सर्च करता है, ये सारी चीजें हमें पता है। थोड़ा एटलीस्ट ह्यूमन तो चलो इंटेलिजेंस लेवल पे है ही आगे, बट दूसरे एनिमल भी ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ तो दिमाग है, लेकिन आपको पता है प्लांट किंगडम जो है वो थोड़ी स्टेशनरी है, थोड़ी नहीं ज्यादातर स्टेशनरी है ठीक है। तो जब जैसे बारिश आ गई, जैसे ठंड आई, तो जो एक्सट्रीम एडवर्सिटीज होती है ना, उसमें सर्वाइव करने के लिए भगवान ने, गॉड ने इनको एक अलग से लेयर बना दिया है, दैट इज टफ लेयर, एक दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, और हमारे में एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि हमारा, आपको पता है कि हम लोग जो है अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अगर कोई बारिश आई या कोई ऐसी चीज भी आई तो हम लोग, हमारा जो सर्वाइवल करना जानते हैं, हम लोग मूव कर सकते हैं, जबकि ये लोग स्टेशनरी रहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक टफ लेयर जो होता है इनकी एडवर्स एनवायरमेंट में क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए इनके पास दो लेयर है, दैट इज एक सेल वॉल होता है, दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, जबकि हमारे पास सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होता है, अभी हमने आगे देखा था वो। सो अब बात करते हैं सेल वॉल। देखिए यू माइट हैव अर्लियर लर्न दैट सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल, आगे हमने पढ़ा और शेप देगा ही ठीक है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, एक एडिशनल लेयर को। एंड दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। सो प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द, देखो मैंने लिखा भी है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, इन सब चीजों से, एडवर्सिटी से बचने के लिए इनको एक एडिशनल सेल वॉल मिलता है। एंड दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, दे आर स्टेशनरी। ठीक है, चीजें आ गई समझ में? समझ में आ गई भाई, इतना समझ में आ गया, बताइए इज इट क्लियर? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे, सिंपल है। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में अंदर न्यूक्लियस होते हैं और कुछ दूसरे पार्ट्स होते हैं, ये देखो कुछ अलग अलग ये पार्ट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया ठीक है, नाइन्थ में आप पढ़ोगे गॉल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स आ गए, सेंट्रियोल्स आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें इनके अंदर होती है। ऐसा नहीं है जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है ना, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ब्रेन, ये बहुत सारे ऑर्गन, ये सब मिल के काम करते हैं, सेम चीज है यहाँ पे भी। यहाँ पे मेन न्यूक्लियस है, फिर लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, गॉल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनके अंदर, देखो सोचो, दिमाग लगाओ यार, एक ऐसा सेल है हम सबका कि जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसमें भी एक सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे दूसरे पार्ट भी होते हैं जो अपना अपना काम करती है। तो सोचो हम लोगों का जो वर्किंग है एक नॉर्मल सेल का इतना है, तो हमारी पूरे इंडिविजुअल वर्किंग किस हद तक आप, मीन्स हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार ये साइंस में ये सारी चीजें इतनी डेवलप्ड है ठीक है, और हमें डेवलप दी गई है, मिली हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि सेल बनाने जाता है, कोई फैक्ट्री में लेने जाता है, भाई मेरे पास 2 किलो सेल कम पड़े तो मेरे को दे दो, अच्छे से बना के देना भाई, अच्छी क्वालिटी की चाहिए अपने को ठीक है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है उसको अच्छा होना चाहिए, ऐसा तो हम मांगने तो नहीं जाते बार। तो यहाँ पे वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड,
साइटोप्लाज्म एक तरीके से हम मान के चलो एक लिक्विड होता है, जैसे वाटर है ना, वैसे जेली टाइप लिक्विड होता है, जो कि ये सेल के ऑलमोस्ट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें रहता है, और जहां पे ये सारे जो पार्ट्स आप दूसरे दूसरे देख रहे हो वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं उसमें, उसमें क्या करते हैं, तैरते हैं। जैसे आपको पता है ब्लड होता है, लास्ट लास्ट ईयर क्लास 7th में आप लोगों ने सीखा था ब्लड क्या है। ब्लड में चार चीजें होती थी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट। तो वो क्या करते थे, फ्लोट करते थे ना प्लाज्मा में। सेम चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे भी ये पूरे सेल में अंदर जो ये आप लिक्विड वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये सारा, ये सारा, ये दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड इन विच ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल फ्लोट्स, यानी उसमें रहते हैं। देखो यहाँ पे द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनिल्स। अब ये ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिल्स का मतलब अलग 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 पार्ट्स जो आप सेल के अंदर देख रहे हो ना, उसको ही हम लोग ऑर्गेनिल्स कहते हैं, या तो पार्ट बोल दो, पार्ट ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे न्यूक्लियस है वो सेल का ही पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्गी अपेरेटस है, लाइजोजोम्स है, वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल्स है, बहुत सारी ऐसी चीज है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। ये याद रखना, ये वाला जो शब्द है वो याद रखना बायोलॉजिकली। अब हम लोग है ना नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलेंगे। जब देखो चीजें क्या होती है, जैसे आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें वो ही टर्म यूज करना पड़ता है। नॉर्मल पार्ट्स पार्ट्स बोलनी अब मत बोलना, अब क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे हम। जो सेल के अंदर चीजें होती है उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, आ गई चीजें समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए साइटोप्लाज्म, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एरा बीच में, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से उसको भी। वेरियस अदर कंपोनेंट, देखो लिखा भी है, कंपोनेंट या पार्ट्स या ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एंड दीज आर, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी हमको जो एनर्जी मिलती है ना, आप खा के हमें जो एनर्जी मिल रही है, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसकी एनर्जी मिल रही है, तो वो हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगेन क्लास 9 क्लास 10 में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। गॉल्गी बॉडीज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, राइबोसोम्स है, एक्सेट्रा, एंड सी यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। ये एनसीईआरटी में भी आप लोगों को दिया है। पहले क्या है, बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक ही अगर आपको पता नहीं है, फिर ये सारी चीजों पे, शॉर्ट नॉट और ये चीजों पे अगर मैं समझा दूं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो चीजें क्लियर, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म। कुछ भी नहीं है यार ये, है ना, कई बार ऐसा मुझे ऐसा गुस्सा भी आता है कि ये जो जिन लोगों ने ये चीजें जो है सर्च किए ना, क्या मीन्स, ऐसे ही कुछ सर्च करना था तो कर दिया, अपना नाम लिखवा, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हो गए, बस इस ये साइंटिस्ट का नाम आया पेपर में, इस साइंटिस्ट का जो है इसको नोबेल प्राइज मिला, मुझे भी कुछ करना है, मैं भी एक नया जो टर्म है उसको कॉइन करता हूँ। तो यहाँ पे यही चीज है, प्रोटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है। जैसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म हम लोगों ने क्या सीखा, साइटोप्लाज्म हमने सीखा कि सेल के अंदर रहा हुआ लिक्विड, सेल के अंदर रहा हुआ लिक्विड उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है पता है, सिंपल, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो द लिविंग लिविंग थिंग या लिविंग मैटर विद इन द सेल, लिविंग मैटर विद इन द सेल उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, दूसरा कुछ भी नहीं है। बस ये ऑलरेडी चीजें थी, इसको बोल दिया किसी ने कि भाई साइटोप्लाज्म तो था ही, न्यूक्लियस भी किसी ने ढूंढा था, उन दोनों को कंबाइन करो, यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, कोई भी सेल में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी आ गए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द लिविंग मैटर विद इन द सेल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं न्यूक्लियस में, मेन है न्यूक्लियस। आप लोगों को है ना इस साल के लिए एटलीस्ट 3-4 चीजें मेन है, फिर डिटेल स्ट्रक्चर हम 9th में पढ़ेंगे। एक आ गया आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो अभी हमने देखा था आगे, उसके बाद आएगा आप लोगों का न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरा अभी हम जो है इसके अंदर वैक्यूल्स और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हम कवर अप करेंगे। मेन एक्चुअली तो गॉल्गी अपरेटस है, लाइजोसोम्स है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीजें थोड़े आप लोगों अभी सुन रहे हो तो वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में। बट ये बेसिक सा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप देख सकते हो, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट या इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल। और उसमें पता है उसका काम क्या है, जैसे हमारा ब्रेन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन करता है ना पूरा, तो मेन ये हेड है भाई सेल का, ये हेड है,
ये मेन चीजें कोऑर्डिनेट करता है। तो आप देख सकते हो यहां पे ये सेल है। अब सेल के अंदर सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर भी ये आप एक चीज देख रहे हो, ये चीज आप देख रहे हो, यहां पे भी आपको एक ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये बीच में जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये रहा, देखिए ये जो है न्यूक्लियस और ये बीच में जो हम देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। कहां गया भाई डायग्राम? ये रहा, ये आप देख सकते हो, देखिए यहां पे ये पूरा न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटर में आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो यहां पे चीजें समझते हैं। अब आपको यहां पे एक्स एक्स करके ये क्रोमोसोम्स भी दिख रहे हैं, ये कुछ दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, एक्स एक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखो ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये होता है क्रोमोसोम्स, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। आपने बहुत बार ये चीज सुना होगा, कि आप अपने पिताजी की तरह दिखते हो या आप अपने मम्मी की तरह दिखते हो या अपने मामा या नाना या किसी मैटरनल पैटर्नल से आप लोगों का जो है फेस बिलोंग करता है, ऐसा हमने सुना होता है। बस ये चीजें यहां से आई, आई कैसे कि जैसे आप ये देख सकते हो क्रोमोसोम से, ये एक्स्ट्रा क्या है, ये आप एक्स एक्स स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये होता है क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स होते हैं, पहनने वाले जीन्स नहीं, ये बायोलॉजिकल टर्म है जीन्स। ये रहा देखो, ये रहा, ये कुछ देख रहे हो आप, ये कोडिंग होता है, जीन्स है, ये भी जीन्स है, देखो ये वाला, ऐसे बहुत सारे जो है यहां पे आपको जीन्स होते हैं। और ये हमें कहां से मिले होते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, हमारे पिताजी और माताजी। आपको पता है अभी हम लोग इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर भी सीखेंगे, तो वहां पे आएगा कि फ्यूजन जब होता है मेल एंड फीमेल का, तब एक जायगोट फॉर्मेशन होता है। तो हमें जो इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती है, ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो जो इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि लाइक आप लोगों का जो आई का कलर क्या होगा, आपके जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, या तो फिर आपके पिताजी या माताजी के जो कलर कोडिंग है उस पे, या तो फिर आपकी जो जो हाइट है ठीक है वो कैसी होगी। तो ये सारी चीजें जो है क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम पे ऐसे जीन्स होते हैं, जी ई एन ई, ये वाले। तो जीन्स जो होते हैं वो जब हम लोग जो है मदर के वॉर्म में होते हैं और धीरे धीरे हम लोगों का एक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो उस समय पे ये जो है प्रोटीन ऐसे सिक्रीट करते हैं जिसके कारण हमारे अंदर क्या होना है वो ऑलरेडी तय हो जाता है। एक तरीके से ये क्या है, कंप्यूटर कोडिंग है। कंप्यूटर पे जैसे आप प्रिंट निकालते हो ना, आउटपुट आपने इनपुट डाला, कुछ चीजें टाइप की और आउटपुट मिला आपने जो चीज, तो बस यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग होके आता है। तो यहाँ पे देखो कलर कोडिंग है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल ब्राउन आई वाला है, तो यहाँ पे ये ब्राउन आई वाला जो जीन है उसने मैसेज भेजा कि भाई हमें इस जो एक नया ऑर्गेनिज्म जो आएगा उसमें ब्राउन आई चाहिए, तो आपकी ब्राउन आई आएगी, या तो फिर हेयर जो है इस तरीके की चाहिए, या हाइट आपको कोई ऐसी चाहिए। तो ये थोड़ा इतना इजी नहीं है दिख रहा है, वो बायोलॉजिकली आप लोग और अच्छे से 11 12th में सीखोगे, बट ये बेसिस होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अपने हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स से हम लोग ट्रांसफर करके लेते हैं, तो उसके लिए होता है, यानी इट एंश्योर्स द हेरिडिटी। ठीक है, देखिए यहां पे आपको एनसीईआरटी में दिया भी है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीजें आप अपने माताजी और पिताजी से लेके आते हो, उनकी जो क्वालिटीज, वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। आप बोलोगे कि सर एकदम क्यों नहीं होते, एकदम कॉपी क्यों नहीं होता? भाई ये हम जेरोक्स मशीन नहीं है, यहाँ पे जेरोक्स मशीन नहीं है। जेरोक्स मशीन में भी अगर आपको पता है 19-20 होता है, 19-20 से भी ज्यादा होता है, तो भैया यहाँ तो कोई जेरोक्स मशीन नहीं है, तो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं आएगी, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं। एंड इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज यू मे ऑल्सो हैव, हाँ ऐसा जरूरी भी नहीं है कि, देखो कई लोग में ऐसा भी होगा पापा को भी ब्राउन आईज है, मम्मी को भी है, लेकिन अपने ब्लैक आ गए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि जो होता क्या है, ये मैंने बोला ना इजी नहीं है इतना, ये कोडिंग होना, हमारे अंदर भी कोडिंग जो होता है, ये व्हाइट हेयर जूनियर वाले तो अभी आए कोडिंग करने, हमारी बॉडी में तो पहले से कोडिंग होता है। तो ये जो कोडिंग है यहाँ पे, ये एक हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत हम क्या अगर कहे तो एडवांस लेवल पे होता है।
तो यहाँ पे इतना इजी नहीं है कि ये हमारे पेरेंट्स का था। चीजें क्या है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये कि हो सकते हैं, पास ऑन हो सकती है, बट वेरिएशंस आए कलर यहाँ पे कोडिंग के टाइम पे वेरिएशंस आते हैं, तो फिर हम लोगों को ऐसा भी पॉसिबल है मदर और फादर से एक अलग जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो आ जाए। सो इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज, इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग द कर्ली हेयर, एंड हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, देखो लिखा भी है, फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चीजें समझ में आ गई, दिया हुआ ये एनसीईआरटी में, बट मैंने आपको चीजें समझा भी दी। तो ये हो गया आपका, देखो यहां पे न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, ऐसे लाइट माइक्रो लाइट वाला भी नहीं चलेगा, हायर मैग्निफिकेशन, जूम वूम अच्छा होता हो वैसे, वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होता है, वो क्या है, न्यूक्लियोलस होता है। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, आप देख सकते हो मैंने बताया एक्स टाइप स्ट्रक्चर। वैसे ये जब डिवाइड नहीं होते, मींस ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, धागा नहीं होता धागा, वैसे मींस जो गुच्छ वाला धागा भी, जैसे उत्तरायण आएगा, उत्तरायण में आपको पता है काइट फेस्टिवल में कि जब हम लोग डोरी होती है थ्रेड उसका जो गुच्छा हो जाता है, बस वैसा होता है, क्रोमेटिन होता है, पहले उसे क्रोमेटिन कहते हैं, फिर जब सेल डिवाइड होना होता है, यानी कि जब मदर और फादर जो है उनके जो गैमेट्स है सेक्स सेल्स मिलते हैं और फिर जो है जाइगोट फॉर्मेशन होना होता है, पास ऑन करना होता है, तब ये क्रोमोसोम्स जो है क्रोमेटिन में से क्रोमोसोम बनते हैं। देखो इतना इजी नहीं है चीजें, बट या बेसिक मैंने आपको कवर अप करवा दिया है। दिस कैरी जीन्स, ये क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, ये जैसे आप एक्स एक्स देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे आप एक्स एक्स देख रहे थे ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहां पे जैसे अभी रेड कलर आप देख रहे हो, ऐसे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन यू और इन एनी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एंड द क्रोमोजोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, देखो क्रोमोजोम आपको तभी देखने मिलेंगे जब सेल डिवाइड, डिवाइड इन द सेंस क्या, कि जब फादर और मदर है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा यहां पे फ्यूजन करके जाइगोट फॉर्मेशन जब होगा, हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, तो यहां पे सेल जब डिवाइड होना होता है तब जो है ये क्रोमेटिन में से क्रोमोसोम्स बनते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चीजें हो गई क्लियर, पता चल गया भाई, बताइए। सो न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, और इनफैक्ट न्यूक्लियस के पास भी अपना एक कवच होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलॉप, या तो हम कहते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, उसको भी हम एक कवच होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा सेल जो होता है हमारे अंदर, तो सेल का एक कवच हुआ प्लाज्मा मैम्ब्रेन या सेल मैम्ब्रेन, वैसे इसका भी एक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैम्ब्रेन या तो न्यूक्लियर एनवेलॉप। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होने हैं। वैक्यूल, देखो वैक्यूल है ना, प्लांट सेल में ध्यान से देखो और एनिमल सेल में देखो, एक चीज आपको डिफरेंस दिखाई देगी, क्या पता है, साइज ऑफ द वैक्यूल। अब मैं समझाऊं क्या है वो भी, यहां पे छोटा वैक्यूल आपको दिख रहा है जबकि यहां पे इतना बड़ा, कई कई प्लांट में तो ये 90% जो है सेल का वॉल्यूम यही रोकता है, वैक्यूल ही रोकता है। वैक्यूल का मतलब क्या पता है, खाली, खाली, वैक्यूल का मतलब खाली। अब खाली क्यों है, एक्चुअली में ये वैक्यूल का मेन काम होता है स्टोरेज करना, पानी का स्टोरेज, खाने का स्टोरेज, तो ये स्टोरेज का काम करता है। आपको पता है एनिमल्स जो है, अभी भूख लगा तो खाना खाया, अभी भूख लगी पानी पिया, ये किया, तो हम लोग जो है हमारी रिक्वायरमेंट फूड की और एनर्जी की उस तरीके से नहीं है जितनी इनकी स्टेशनरी जो इनकी लाइफ है वैसे, इसलिए इनके पास क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें इनका खाना स्टोर, फूड स्टोरेज का मेन काम हो गया, या कुछ वेस्ट स्टोर करना है फिर उसको रिमूव करना है तो वेस्ट स्टोरेज हो गया, तो यहाँ पे इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। कई कई प्लांट्स कई कई सेल में 90% जगह तो यही रोकते हैं, पूरे सेल में 90% जगह यही रोकते हैं, जबकि एनिमल सेल में कई जगहों पे एब्सेंट भी होते हैं, और होते हैं तो ये कैसे होंगे, छोटे होंगे, स्मॉल। तो आप लिख सकते हो एनिमल सेल में वैक्यूल्स इफ दे आर प्रेजेंट तो दे माइट बी स्मॉल या वेरी स्मॉल, और वेयर यू कैन से प्लांट में तो होंगे ही, और वो कैसे होंगे, थोड़े लार्जर शेप में होंगे, साइज में होंगे, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया चीज, बताइए।
इज इट ओके? वैक्यूल क्या होता है समझ में आ गया? चलो उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स, कुछ भी नहीं है ये, थोड़ा वैसे आप लोगों को हायर लेवल का टॉपिक है, बट आपको एनसीईआरटी में दिया था और उसमें खाली इतना ही लिखा है कि दे हैव सेंट्रियोल, इतना ही दिया हुआ है एनिमल, लेकिन सेंट्रियोल क्या है वो भी तो बताओ, तो मैं बता देता हूं, ये पाए जाते हैं ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में, याद रखना, ये हमारे में अंदर पाए जाते हैं, एनिमल यानी हम लोग एनिमल ही है, हमारे अंदर ये पाए जाते हैं, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाए जाते। अब ये क्यों होता है, कहां पे होता है, ये ज्यादातर अगर आप देखोगे न्यूक्लियस वाला जो एरिया है ना, न्यूक्लियस वाला, उसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नजदीक नियर वाले एरियाज में होता है, और ये सिर्फ ये इसका मेन काम है, जो सेल डिवाइड होता है ना, सेल डिवीजन, उस टाइम पे ये काम लगता है, सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन यानी क्या, वही कि जैसे सेल डिवाइड हो रहा है तो वहां पे सेंट्रियोल जो है उसका काम होता है, उसको वहां पे हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। तो सेंट्रियोल का काम अभी के लिए आप इतना समझिए, सेल डिवीजन में वो क्या करता है, हेल्प करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्लास्टिड्स। अब ये अगेन देखो, मैंने बोला ना कुछ कुछ चीजें प्लांट में प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ चीजें एनिमल में होती है। अब अगेन प्लास्टिड्स, पी लिखा है ना, तो पी से याद कर लो, ये प्लांट में ही होंगे, ये किस में होंगे, ये प्लांट में ही होंगे। ये क्या है वो भी बता देता हूं, जैसे कि वैसे अभी तक हम लोग क्लोरोफिल क्लोरोफिल करते थे प्लांट्स के अंदर, तो ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट में से आया हुआ एक पिगमेंट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, बस ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। जैसे हमारा ब्लड रेड है, क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन करके एक रेड कलर का पिगमेंट है, उसी तरीके से प्लांट में भी आप देख सकते हो ऐसे कलर्ड पिगमेंट होते हैं। वैसे ये ग्रीन है, फिर ये ऑरेंज होते हैं ना, ये जो है क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये दूसरे भी होते हैं, दूसरे कलर भी होते हैं, लेकिन इसकी तादाद थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए ये कलर हमें थोड़ा ज्यादा, मीन्स आपको पता है ग्रीन कलर का प्लांट या ग्रीन कलर का लीफ हम लोगों को ऑब्वियसली मेजॉरिटी देखने मिलता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, तो एक्चुअली में ये प्लास्टिड का टाइप ही है। हम बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्टिड का मतलब क्या है, प्लास्टिड दे आर सॉर्ट ऑफ यू कैन से ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, क्रोमोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट करके आता है, क्लास 9 में सीखेंगे, लेकिन ये प्लास्टिड्स, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दे आर प्लास्टिड्स, इनफैक्ट ये भी है, ये भी प्लास्टिड्स ही है, बट ये ऑरेंज कलर के यानी कि दूसरे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर के इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, सॉर्ट ऑफ अ या टाइप ऑफ अ प्लास्टिड्स, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, विच गिव्स ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल एंड इट इंपार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, लेकिन प्लांट में ही मौजूद होता है, ठीक है, वो एनिमल्स में नहीं होता, नहीं तो हम लोग भी ग्रीन ग्रीन हो जाते। ये एक्स्ट्रा है, इसे अगर आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं ऑलमोस्ट बता देता हूं, न्यूक्लियस मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियस वो तो एक मेन कंट्रोलिंग यूनिट हो गया सेल का, फिर एक आता है राइबोसोम्स करके आते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करने में इनका मदद, ये मदद करते हैं। साइटोप्लाज्म तो सीखा, वही होता है फ्लूइड, जिसके अंदर दूसरे पार्ट जो है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते, तैरते। फिर एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्रोटीन और लिपिड, लिपिड यानी फैट सिंथेसाइज करने में मदद करता है। फिर आप देखते हो गॉल्गी बॉडी, इसे हम कहते हैं गॉल्गी एपरेटस, और ये जो है मेनली ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी एक ऐसे ऑर्गेनल या ऐसे कंपोनेंट होते हैं सेल के जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हमको इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी क्या है, नेक्स्ट सेशन में, तो यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमको एनर्जी देते हैं, और हमारी बॉडी जो मीन्स अभी आप, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग बैठे हुए हो या जो भी जैसे भी अवस्था में हो, तो वो आपको फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी डे टू डे रूटीन एक्टिविटी आपको करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो आप जो भी खाना खाते हो, जो चीज, जो एनर्जी बिल्डअप होती है ना, वो एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और जब भी आप लोगों को एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, चीजें हो गई सिंपल, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया भाई, चीजें एकदम क्लियर है। और ये
अच्छे से आप लोग देखो, ये सारे नोट्स मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए, ये आप जो है वीडियो पॉज कर करके आराम से लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने दिया है। सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या है? सराउंड एंड प्रोटेक्ट द सेल, मेक द सेल वॉल स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, सपोर्टर एंड प्रोटेक्टर का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल वॉल जैसा ही है, लेकिन वो क्या होता है, उसका एडिशनल लेयर। लेकिन एनिमल में सिर्फ ये एक ही लेयर होता है, जबकि प्लांट में ये दोनों चीजें होती है, सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। फिर साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड, जिसके अंदर सारे दूसरे ऑर्गेनल्स या पार्ट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी हाउस या पावर हाउस हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या, याद करिए, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। कहां पे प्रेजेंट हुए? प्लांट में ही होंगे, ये एनिमल में पाए जाते नहीं है, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है, याद करिए, बड़े छोटे मैंने बताया था, ये एक तरीके से स्टोर करने का, स्टोरेज हाउस, ठीक है, गोडाउन का काम बोल दो, स्टोर करने का काम। देखो स्टोरेज टैंक यहां पे लिखा भी है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? मेन, हम कह सकते हैं पूरे घर का संभालने वाला जो मेन कैरेक्टर है वो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो क्या है कि न्यूक्लियस का कवच, जैसे पूरे एक सेल का कवच होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस का कवच होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो हो गई चीजें कंप्लीट क्लियर, हो गई चीजें कंप्लीट क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है ये, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। यहां पे भी देखो वर्ड पी से याद करना सीख लो, पी लिखा हुआ है ना वहां पे, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये है, देखो अभी चीजें आप समझते हैं। हम लोग जो, मैंने पहले भी कहा जब स्टार्ट हुआ तब, हम लोग कोई 1 साल 2 साल 200 300 400 साल पहले नहीं आए। हमारा भी यहाँ पे अर्थ पे आने का अगर आप हिस्ट्री देखोगे कुछ 10,000 साल, आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स आई थिंक फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में आप लोगों ने एसएस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तो उस समय के प्रिमिटिव मैन, आदि मानव उस समय के, और उससे भी पहले हम तो काफी लेट आए। अब ये भी चीज समझो, हम तो अर्थ पे काफी लेट आए, काफी लेट, हमसे पहले मिलियन मिलियन ईयर पहले बहुत बहुत जो है ऑर्गेनिजम्स रह के चले भी गए, डायनासोर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये सेल जो होता है ना, ठीक है, एकदम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कोई भी ऑर्गेनिक, कोई भी इंडिविजुअल का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, तो उन्होंने क्या किया, इतने सालों में मॉडिफाई हुए, क्या हुए, मॉडिफिकेशन हुआ। तो पहले के सेल ऐसे होते थे, ऐसे यानी इन द सेंस प्रिमिटिव मैन, ऐसा नहीं कि प्रिमिटिव मैन में, बट उनसे पहले के सेल, बहुत पहले के, तो ये उस समय पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में ये होते थे प्रोकैरियोट्स, और अभी जो है वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। अब चीजें क्या हो गई, चीजें ये हो गई, यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिल्स है उनका एक कंप्लीट फंक्शन होता है। ऐसे देखो न्यूक्लियस मेन सेंटर, मेन मेन काम करता है, पूरी चीजों को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। वैक्यूल्स देखा हम लोगों ने, स्टोरेज का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सबका काम बांटा हुआ है और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आप देखोगे। इसमें ऐसा नहीं था पहले, जब शुरुआत हुई लाइफ की, लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई थी तब, उस टाइम मीन्स सोचो हम लोग तो मैंने कहा ना बहुत लेट आए, लेकिन उस समय पे ये जब एक लाइफ फॉर्म आया वो भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। तो यहाँ पे चीजें जो हमें उस समय पे पहले पाई जाती थी ऑर्गेनिज्म में, उसमें अगर आप देखोगे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि सेल वॉल, फिर उसके बाद कैप्सूल, ये नॉर्मली ऐसे एक स्ट्रक्चर है। फिर मेन देखो न्यूक्लियोइड, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। देखो हमारे पास एक अच्छा न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा, हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स कंपोनेंट है, इनके पास इतने है ही नहीं। तो ये प्रिमेटिव प्रोकैरियोट्स जो है पहले के टाइप के सेल्स है, और अभी जो मॉडिफाई हो गए वो है यूकैरियोट्स, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस, ये देखो डिफरेंसेस भी दिया है। यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर अगर आप देखोगे, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी हमने देखा, जीन, सॉरी, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा क्या है पता है यूकैरियोट्स के, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, सबके पास अपना कवच, बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड यानी सेल जो है उसका खुद का तो एक मेम्ब्रेन है, लेकिन सभी ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस का जैसे मैंने बोला उसके पास भी एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी एक मेम्ब्रेन है,
सबके पास अपना एक एडिशनल कवच, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, अच्छा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी हमारे मीन्स यूकेरियोटिक या यूकेरियोट्स के पास है, जबकि प्रोकेरियोट्स जो है वो काफी हद तक प्रिमिटिव हम कह सकते हैं इसको, बहुत ही पहले के पाए जाने वाले सेल्स। तो ये भी हो गया, डिफरेंसेस क्लियर। और जल्दी बताओ, चलो ये लास्ट पार्ट है, डिफरेंसेस आप लोगों को दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप लोगों को ऐसे डिफरेंसेस मींस द लास्ट, जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होता है ना तो ये दिया हुआ है, तो जल्दी से बताओ चलो ये क्या क्या चीज है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल में एब्सेंट है, मैंने बताया। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा बताओ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट और प्रेजेंट बताओ, दोनों में प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट होंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी दोनों में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जहां भी शब्द आता है मेम्ब्रेन, तो समझ जाना एक एडिशनल कवर। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। चलो बताओ साइटोप्लाज्म, ये भी तो दोनों में होगा, दोनों में होगा साइटोप्लाज्म, फ्लूइड याद करो यहां भी। चलो फिर प्लास्टिड, अब बताओ प्लास्टिड याद करो, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल सेल में नॉट एब्सेंट। हमारे अंदर थोड़ी होता है प्लास्टिड्स, हमारे अंदर थोड़ी होगा, ठीक है। चलो वैक्यूल, अब वैक्यूल में क्या है, प्रेजेंट वैसे एनिमल सेल में भी होता है लेकिन आप ऐसे यहां पे लिख सकते हो प्रेजेंट लेकिन लार्जर होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन लार्जर उनका साइज होता है, जबकि एनिमल सेल में कई जगहों पे एब्सेंट भी होते हैं या तो फिर स्मॉल साइज, या तो आप लिख सकते हो स्मॉल साइज, ठीक है। चलो समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई, क्लियर क्लियर हो गई, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे हो गई आप लोगों की चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर मींस एक्सरसाइज पे। बताइए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेल्युलर हैव वन सेल्ड बॉडी, वन सेल्ड ही हो ना यूनिसेल्युलर में, तो यहां पे क्या आएगा ट्रू, मैं यहां पे टी करके लिख देता हूं ट्रू। फिर मसल सेल्स आर ब्रांच, मसल सेल्स ब्रांच नहीं होते, जो हमने नर्व सेल्स पढ़े थे ना, नर्व सेल्स अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, यहां मसल सेल्स ब्रांच लिखा हुआ है, तो क्या होगा, यस फॉल्स, मसल सेल्स में क्या आएगा सेकंड में, फॉल्स ये ब्रांच नहीं होते। दूसरा द बेसिक लिविंग यूनिट, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग यूनिट ऑर्गन होता है या सेल होता है, ऑर्गन तो पहले सेल होगा तो ही तो ऑर्गन आएगा, इन्होंने उल्टा दे दिया ऑर्गन है, तो यहां भी क्या आ जाएगा फॉल्स। थर्ड वाले में क्या आएगा फॉल्स, ट्रू कहां से आएगा भाई। चलो उसके बाद अमीबा हैज इरेग्युलर शेप, हाँ वो हमने देखा अमीबा के पास क्या होता है एक्चुअली में, इरेग्युलर शेप होता है। और दूसरा उनके पास जैसे हमारे को तो चलने को हमको भगवान ने अच्छे से फिट या फुट दिया हुआ है, उनके पास ऐसा नहीं होता, वो इरेग्युलर शेप, वो उनका होता है सुडोपोडिया, उनको हम सुडोपोडिया कहते हैं, तो यहां पे क्या आएगा ट्रू, इरेग्युलर शेप है ना तो वो आएगा ट्रू, फोर्थ वाले में ट्रू, ठीक है। हो गई चीजें क्लियर, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे लिखा है देखो, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, जो मैंने आपको बताया था ऐसे होता है, देखो ये रहा ब्रांच, आप देख रहे हो अलग अलग ब्रांचेस, इतना बड़ा नहीं मीन्स दिख, ये इतना बड़ा नहीं होता और देख भी नहीं सकते नेकेड आई से, छोटा होता है लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक को हमने जूम करके समझा, और एक सेल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से यहां से जो है कैप्चर होती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वहां पे, तो ये आप देख सकते हो पूरा इतना एलोंगेटेड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो ब्रांचेस अलग अलग इसके, ठीक है। तो ये भी हो गया आप लोगों का, अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेना, समझ लेना। और लिखा था व्हाट फंक्शन, तो ये क्या करते हैं मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं नर्व सेल्स, राइट। शॉर्ट नोट अच्छे से दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म क्या था मैंने अच्छे से पढ़ाया है, न्यूक्लियस क्या था वो भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनल्स,
कौन सा पार्ट सेल का जो है उसके अंदर ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स है नहीं, अलग अलग जो पार्ट थे, कौन था? साइटोप्लाज्म, याद करो कौन था? साइटो साइटोप्लाज्म याद करिए, ठीक है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें होती थी ना। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन देम। तीन डिफरेंसेस बताने हैं। देखो, तीन डिफरेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा था, प्लास्टिड, पहला प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है। दूसरा, सेल वॉल, याद करो पहला ही पढ़ा था, सेल वॉल, सेल वॉल भी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। दूसरा, वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में छोटे या तो फिर स्मॉलर या तो एब्सेंट होते हैं। फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट में एब्सेंट होते हैं। तो वो आप लिख लेना, स्केच अभी मैं बताता हूं। स्केचिस में, स्केचिस में कहां गया? ये रहा, देखो ये सिंपल रखो, सिंपल रखना, इतना सिंपल, ऐसे इतना भी ऐसे सिंपल नहीं होता, बट आपको क्लास 8 में हो ना, अभी बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया, सेल वॉल आ गया, एडिशनल माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, पावर हाउस तो पता ही है, वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल आ गया, और ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया आप लोगों का प्लांट सेल, ये प्लांट सेल आप ड्रॉ कर देना, ये हो गया आप लोगों का प्लांट सेल, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया। और एनिमल सेल सेम है, एनिमल सेल में देखो कुछ कुछ चीजें मत ड्रॉ करना ऐसा लगे तो, जैसे लाइजोजोम अभी आप लोगों के लिए नहीं है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये चलेगा, हाँ राइबोसोम्स भी नहीं है, गॉल्गी एपरेटस भी नहीं है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, सेंट्रोसोम भी नहीं है, बस बाकी जो बच गए वो आप ड्रॉ कर सकते हो। साइटोप्लाज्म तो कॉमन है, फिर मेम्ब्रेन ये भी कॉमन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है? ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। चलो उसके बाद, उसके बाद क्या था यहाँ पे लिखा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट्स। मैंने लास्ट में बताया था प्रोकेरियोट्स और यूकेरियोट्स में, यूकेरियोट्स और प्रोकेरियोट्स क्या है, ये एक तरीके से प्रिमिटिव सेल है, और ये क्या है कि अभी के मॉडर्न मॉडिफाइड एडवांस सेल्स है। दूसरा, प्रोकेरियोट्स में है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते थे, और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी नहीं होता था, जबकि यहाँ पे एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते थे। दूसरा, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, यहाँ पे एक अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे तीन चार आप लिख ही सकते हो, मैंने दिया भी था आगे। वेर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शन, अगेन न्यूक्लियस में फाउंड होते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है हेरिडिटरी, जो कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास कराने का काम करते हैं। सेल्स आर द बेसिक्स, अब ये तो पूरा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल क्यों एक बेसिक, जैसे ब्रिक, एक घर के लिए एक ब्रिक जो होती है, ईंट होती है, वो क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, क्योंकि उसी की से ही पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सेम चीज हमारे अंदर भी जो सेल है उसके बेसिस पे जो है पूरा सिस्टम है, जैसे टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है? एंड एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड। अभी यार सीधी सी चीज, फोटोसिंथेसिस करना है, खुद खाना बनाना है, प्रोड्यूसर्स है, तो उन्हीं में ये फाउंड होते हैं, हमारे अंदर ये फाउंड होते नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जैसे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, मैंने बताया था दे आर अ सॉर्ट ऑफ प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट एनिमल सेल। तो यहाँ पे कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड है अच्छे से चीजें, ये देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया भी, लिखा भी है, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है क्लोरोफिल होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है CHLORO PHYLL, क्लोरोफिल, ये सारे जैसे आप देख सकते हो एक्रॉस वाले। उसके बाद था टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो चीजें अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स, याद करिए। तो ये रहा ORGANELLE, ऑर्गेनल, ठीक है? उसके बाद था द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, तो प्रोटोप्लाज्म, PROTOPLA, प्रोटोप्लाज्म याद करो, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते थे प्रोटोप्लाज्म। देन यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, जीन्स याद करो, GENES, जीन्स। अब डाउन वाले देख लेते हैं, डाउन वाले देखिए, ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन कलर के प्लास्टिड कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे ऑरेंज कलर के वो सब जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है? तो हमें तो क्लोरोप्लास्ट लिखना है, तो ये रहा देखो CHLOROPLASTS।
उसके बाद फॉर्मड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू किससे बनता है, ऑर्गन, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ORGAN. देन इट सेपरेट्स द कंटेंट फ्रॉम, अब सेपरेट करता है एक सेल को अपने सराउंडिंग से, कौन, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, MEMBRANE, मेम्ब्रेन. एंड फाइनली सॉरी एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, एम्प्टी स्ट्रक्चर, वैक्यूल, याद करो वैक्यूल, VACULE, वैक्यूल. एंड फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ये रहा TISSUE. तो यहां पे ऑलमोस्ट चीजें मैंने कंप्लीट करवा दी. तो ये आप लोगों का हो गया क्रॉसवर्ड भी कंप्लीट, ये आप लोगों के डायग्राम्स, एंड फाइनली चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट. समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चैप्टर हो गया पूरा का पूरा मैंने क्लियर करवा दिया भाई, ठीक है, जैसे हर टाइम हर सब्जेक्ट में करवाता हूं वैसे इसमें भी आज करवा दिया. अब आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि इस चैप्टर के बाद आपको कोई सेल रिलेटेड कोई डाउट होगा. बेसिक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैंने सारी बिल्डअप कर दी है कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीजें क्या है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है. सो यस, अब मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में, साइंस का ही लूंगा क्योंकि कंटिन्यूटी बना के रखूंगा. मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी हम बना के रखते, तो जैसे ये है रिप्रोडक्शन के कुछ चैप्टर्स है, तो ये हम लोग अब कंटिन्यूटी पे लेंगे और ऑलमोस्ट चीजें जो है जल्दी से साइंस भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, ढेर सारी लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, दूसरे को पकड़ पकड़ के भी करवा सकते हो, ठीक है. एंड कीप रीडिंग, कीप लविंग, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एंड सी यू.